हेलो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे इंडिया में पोको एक्स टू का जो मीरम 11 वर्जन था वो यहाँ पे रोल आउट हो चुका है, जो कि कल ही हो चुका था। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इसका कंट्रोल पैनल है, ये जो देख सकते हैं यहाँ से कितना इसका क्लासी लुक यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि नया ऑप्शन एक फ्लोटिंग विंडो करके आया है, जिसका यूज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका यूज़ यहाँ पे ये यह है कि आप लोग रिसेंट में कोई भी मतलब ऐप को यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज ऐसे होगा कि आप इसे ऐसे पकड़ के रखिएगा और यहाँ पे फ्लोटिंग वर्क कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, और देख सकते हैं यहाँ से मतलब वो भी रहेगा और वो भी मतलब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही अच्छा फीचर्स है ओप्पो एक्स टू के लिए, जो कि आप लोगों को मीवा में 11 वर्जन में मिलता है। और दोस्तों यहाँ से और सभी जो भी मतलब न्यू फीचर है, यहाँ पर अल्ट्रा डाटा सेवर का एक ऑप्शन आप लोगों को मिला होगा। देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी सेवर तो है ही, और यहाँ पर बैटरी अल्ट्रा बैटरी सेवर करके है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए अल्ट्रा बैटरी सेवर में आप लोग जो चीज़ ऐड करके रखना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कुछ अच्छा फीचर्स है इसके लिए। और दोस्तों यहाँ पे मतलब आप जब भी अपडेट किए होंगे, तो यहाँ से अपडेट के समय ही आप लोगों को मतलब अलाउ करने के लिए आता है। अगर कंट्रोल पैनल आपने अलाउ नहीं किया है, तो उसका उसे आप यहाँ से जा करके अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। जैसे ही आप ये लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ ये आ जाता है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर यहाँ पे मेरा न्यू वाला ओके है। अगर आप लोगों का ऐसा ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर इस पर आप लोग जाकर ओके कीजिएगा, तब देख सकते हैं कि यहाँ से फिर से वही वाला आप लोगों को शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया। दोस्तों यहाँ से जो कि ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, तो इस साइड से आप जैसे ही यहाँ पे ऐसे इसे स्वाइप करेंगे, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा ये वाला। और इधर से जैसे ही आप इसे स्वाइप करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ से मतलब स्वाइप करूँगा इस साइड से, तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से ये वाला ओपन हो जाएगा। और कुछ इसमें ज़्यादा बदलाव है नहीं। और दोस्तों यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, अबाउट फोन में जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का बहुत ही अच्छा लुकिंग आ चुका है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सिम वाला लुक भी है, यहाँ पे सिम और लॉक स्क्रीन या मतलब जो भी हो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पर दिखने को मिलेगा। कुछ अच्छा सा यहाँ पे मतलब आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि सिस्टम का वॉलपेपर यहाँ पे आप लोगों को जो ये वाला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग ऐसे करके इसे ऐसे करेंगे, तो वॉलपेपर का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जा करके आप अपना डाटा को पहले ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही डाटा ऑन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग टैप करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो आप यहाँ पर माई पेज पर जा करके वॉलपेपर पर जा करके यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी वॉलपेपर आया होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छा फीचर्स है आप लोगों के लिए। और सभी कुछ इसमें अच्छा फीचर्स आया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। मैंने 2-3 आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पे आप लोग अभी डाटा वाला है, तो दोस्तों इसमें यहाँ पर डाटा आप लोगों को बताएगा नहीं, उसके लिए आप चाहें तो उसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर, जो कि यहाँ पे आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग प्ले स्टोर में जा करके यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जैसे ही सर्च करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जैसे ही सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए MI कंट्रोल सेंटर एक आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला कर लेना है। तो जैसे ही यह डाउनलोड होते इंस्टॉल हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो इसे आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ से मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, और ये दोनों भी जो भी परमिशन मांग रहा है, ये भी आपको अलाउ कर देना है।
यहां से भी आपको ये वाला अलाउ कर देना है। तो यहां पे मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका एक्सपेक्ट करने के लिए, तो एक्सपेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद यहां पे ओके करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे फिर यहां पे ये शो मांगेगा, और इसके बाद नीचे की ओर आप जैसे ही आएंगे तो यहां पे डाटा होगा यूजर्स, तो इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। तो ये भी यहां पे एक्सपेक्ट मांगेगा, तो यहां पे एक्सपेक्ट हो जाने दीजिएगा आप लोग। तो इसे मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूं, और यहां से एक और डाटा यूजर्स है, यहां से आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे डाटा यूजर्स जो है यहां पे आप लोगों को डाटा शो होने लगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।